तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम ये सबसे ऊंचा ग्रंथ, वेदों से ऊंचा, वेदांत से ऊंचा, श्रुति स्मृति पुराण पंचरात्र से ऊंचा, इतिहास से भी ऊंचा, रामायण महाभारत इतिहास है, भगवद गीता से भी ऊंचा। भगवद गीता जहाँ रुकती है वहां से शुरू होता है ब्रह्म विद्यायाम। ये ब्रह्म विद्या है, व्यासदेव ने एक ग्रंथ में ही पहले अध्याय में एक कथा आती है कि व्यासदेव ने बहुत सारे शास्त्रों का संकलन किया और संकलन करने बाद भी इतने सारे शास्त्र का संकलन करने के बाद भी उनको बहुत ग्लानि दुख शोक हो रहा है और जैसे कोई डिप्रेशन में चला जाता है वैसे डिप्रेस हो गए। तो नारद मुनि उनके गुरु उनके पास आते हैं और उनको शोकमग्न देखते हुए कहते हैं, कहते नहीं अच्छे स्टाइज करते हैं, डांटते हैं, डांट लगाते हैं। क्यों डांट लगाते हैं? कि आपने अभी तक जो शास्त्र बनाए वो शास्त्र में चार चीजें बताई जिसमें सारा जगत ऑलरेडी पहले से ही इसमें निमग्न है, धर्म अर्थ स्पेशली काम एंड हनी एंड मनी। क्या हनी एंड मनी? धर्म अर्थ मीन्स मनी एंड काम मीन्स हनी। बाद में इनसे जब फ्रस्ट्रेशन, इनसे जब हम दुखी हो जाते हैं तब मोक्ष की बात करते हैं, काम का नहीं है, मैं कहाँ उलझ गया इसमें, निकलो यहाँ से। तो नारद मुनि उनको कहते हैं कि आपने अभी तक जो शास्त्र का संकलन किया ये चार चीजें बताई, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, और इनसे जीव का कल्याण होता नहीं है, पुनरअपि जननम अगेन एंड अगेन संसार में जीव भ्रमण करता रहेगा और दुखी होता रहेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की श्रृंखला में दुखी होता रहेगा, उससे आम जनता का कल्याण कैसे होगा? और आप कल्याण का शास्त्र रचना करने जा रहे हैं और आपने बताया कुछ और जिसमें ऑलरेडी उलझे हुए लोग हैं, तो उससे आपको दुख नहीं होगा तो और क्या होगा? तो नारद मुनि बाद में उनको ये श्लोक कहते हैं, फर्स्ट कैंतो में ही है। नारद मुनि कहते हैं, तद वाक विसर्गो जनताव विप्लवो यस्मिन प्रतिश्लोके अबद्वपि नामानि अनंतस्य यशो अंकितानियत ग्रणन्ति गायन्ति ग्रणन्ति साधव। नारद मुनि कहते हैं कि यत वाक विसर्गो जनताव विप्लवो, अगर कृष्णा के बारे में अनंतस्य नामान नाम, अनंत भगवान श्री कृष्ण का नाम लीला गुण रूप धाम उनका वर्णन कहाँ है, उनका यश का वर्णन कहाँ है, कृष्ण के यश का वर्णन कहाँ है, उन कृष्णा के जो भक्त और कृष्णा दोनों के बीच में प्रेम का आदान प्रदान विनिमय प्रेममयी लीलाएं, भक्तों के साथ भगवान की प्रेममयी लीलाएं कहाँ है, तो कैसे आपका काम होगा, कैसे आपको सुख होगा आनंद होगा? तो महाभारत की रचना और वेदों की वेदांत सूत्र की पुराणों की सत्रह सबकी रचना के बाद एक ग्रंथ का संकलन किया, तो एक ग्रंथ में यश कीर्ति भगवान कृष्ण की कीर्ति, भगवान कृष्ण के गुणगान, भगवान कृष्ण के भक्तों के साथ प्रणय लीलाएं, भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में प्रेम का आदान प्रदान, वो कहाँ है? तो इसीलिए कहते हैं नारद मुनि कि आपने जो अभी तक लिटरेचर लिखा, इनडायरेक्टली कह रहे हैं, मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ, वो सारा शास्त्र गार्बेज जैसा है, कचड़ा कूड़ा जैसा है।
ये शब्द का प्रयोग करते नारद मुनि, क्या कहते हैं, वायस तीर्थम, वायस मतलब कौवा और उनका तीर्थ मतलब कूड़ा गार्बेज है ना, जो वायस तीर्थम जैसा आपने बना रखा है कैसे आपको संतुष्ट होगा। बाद में भागवत की रचना की, और भागवत की रचना में शुरुआत में ही सुत गोस्वामी को सौनक आदि ऋषि सबसे पहला सवाल ये करते हैं, पुंसाम एकांततः श्रेय, नौवां श्लोक है, तत्र तत्रांजस आयुष्मान भवता यद विनिश्चितम पुंसाम एकांततः श्रेय तन्नः संस्थितुम अर्हसि, हमें आम जनता का श्रेय कैसे हो वो बताइए। डोंट बीट अराउंड द बुश, भूषा मत कुटो, ये शास्त्र वो शास्त्र, ये कथन वो कथन, वो गुरु वो बाबा वो बापू, हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए। आप सर्वोत्तम शिष्य हो, स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो हो, आगे वाले श्लोक में आठ वाला, ब्रुहु स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यम अप्युत, ब्रुहु कहते हैं जो स्निग्धस्य शिष्य, जो मक्खन जैसे हृदय वाला मासूम शिष्य होता है और सौम्य होता है, वेत्तम त्वम सौम्य तत्त्वतम तत् अनुग्रहात्, क्योंकि आप आपके गुरु के स्निग्ध शिष्य हो और सौम्य शिष्य हो, सौम्य अर्थात शुद्ध तथा सरल व्यक्ति, सौम्य शिष्य हो, इसलिए व्यास देव ने सुत गोस्वामी को शास्त्रों का सब गुह्य ज्ञान दे दिया है, आपने प्राप्त किया है, तो हमें सारे शास्त्र नहीं चाहिए, हमें आप शॉर्ट में बहुत सरल भाषा में हमें समझा दीजिए कि पुंसाम एकांत, एकांत सर्वोच्च, पुरुषों का आम जनता का सर्वोच्च श्रेय कैसे हो वो हमें शॉर्ट में बताइए, सब शास्त्र में सब कुछ नहीं चाहिए, आपके गुरु ने आपको सब कुछ बता दिया है, तो हमें आप शॉर्ट में बताइए कि आम जनता का मनुष्यों का कल्याण कैसे हो, और वो कैसे हो झटपट कल्याण, कैसा कल्याण झटपट, झटपट कल्याण कैसे हो, तुरंत इंस्टेंट, अभी सबको सब कुछ इंस्टेंट चाहिए ना, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट टीवी डिनर, इंस्टेंट इंस्टेंट पिज्जा घर आ जाएगा, इंस्टेंट सबको चाहिए, तो ये कह रहे हैं कि हमें इंस्टेंट बात बता दो, हमें सारे शास्त्रों से मतलब नहीं है, हमें आप इंस्टेंट बात बताओ, क्या बात बताओ, पुंसाम एकांततः श्रेय, आम जनता का मनुष्यों का सर्वोत्तम ऊंचा कल्याण कैसे हो, तो ये सवाल है, छह सवाल है पहले अध्याय में, पहले अध्याय में छह सवाल है, ये सवाल पहला, सबसे पहला ये सवाल है, और उनका जवाब सवै पुंसो परो धर्मो, तो ये कल्याण है पुरुषों का, क्या यतो भक्तिर अधोक्षजे, श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति अहितु की एन अप्रतियता, अहितु की कोई भी प्रकार की अपेक्षा बिना, और अप्रतिहता का अर्थ है सतत तेल धारा वत, कंटिन्यूस हमेशा सतत भक्ति, और वो भक्ति शुद्ध भक्ति, आयतु की अप्रतिहता ये आत्मा संप्रसिद्धति, सेम एक ही शब्द का प्रयोग, पुंसाम एकांतत श्रेय, तो संप्रसिद्धति संपूर्णतया तुष्ट पुष्ट जीव हो जाता है, कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहत उदास, ओछे वत्ते सब दुखी लेकिन सुखी हरि का दास, सुखी हरि का दास, ये बात पर आना पड़ेगा, कितना भी आप सेट कर लो कि हम अपसेट न हो, सारा घर बैंक बैलेंस हेल्थ सब कुछ सेट कर लो लेकिन अपसेट होना ही पड़ेगा, ये क्योंकि ये भौतिक संसार की रचना भगवान ने जीवों को अपसेट करने के लिए ही बनाई है,
क्योंकि जेल है, जेल में जेली कभी भी सुख का अनुभव नहीं कर सकता। तो इसीलिए यहाँ सौनक आशीर ऋषि सुत गोस्वामी को कहते हैं कि हमें ये शास्त्र ऋषि मुनि धीर शास्त्र कुछ नहीं चाहिए, हमें आप स्निग्ध शिष्य हो और सौम्य शिष्य। आपके गुरुदेव ने आपको सारा ज्ञान, कोई भी ज्ञान छोड़ा नहीं, तो हमें सिंपल सरल भाषा में बता दीजिए कि पुरुष का कल्याण कैसे हो। वो कैसा कल्याण? सर्वोत्तम पुंसाम एकांत का अर्थ क्या क्या है? सर्वोत्तम एकांत श्रेय एकांत नितांत। नितांत किसे कहते हैं? जिनका अंत ना हो। एकांत मीन्स जिसका अंत ना हो, श्रेय का अंत ना हो। पुरुषों का, मनुष्यों का श्रेय, आनंद, प्रेम का क्या ना हो? अंत ना हो, वैसा कल्याण हमें बता दीजिए। तो ये श्लोक नौवां है और चौदहवें श्लोक में बताते हैं, आपन्न संस्कृतिम घोरम यत नाम विवशो गृणा ततो सद्यो विमुच्येत यत विभेति। ये जवाब है कि ये कलयुग में ये लोग, सारे मनुष्य लोग आपन्न संस्कृतिम घोरम, वो ये घोर संसार में आ गिरे हैं। जैसे बड़ा दामानल हो, सारी दिल्ली आग में हो और हम उसमें आ गिरे, ऐसा है संसार। आपन्न संस्कृतिम घोरम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। संसार किसे कहते हैं? जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग। तो इसमें हम आ गिरे हैं और सबको ये लगा है, धनी हो या रंक हो, राजा हो या प्रजा हो, सबको ये लगा है और सबको अच्छा नहीं लगता है। तो ये संस्कृति से बचने के लिए क्या उपाय? तो आपन्न संस्कृतिम गौरम यत नाम विवशो गृणा, विवस्था से भी अगर नाम ले लिया तो इस संस्कृति से हम पार हो जाएंगे। विवस्था से, गाली में या मजाक में या परिहास में, परिहास्यम एलहेनवा, मजाक में भी नाम अगर हमने ले लिया तो सद्यो विमुचित, तुरंत विमुचित, तुरंत हमें दुखों से मुक्त हो जाएंगे। और यद विभेति स्वयं भयम, इन नाम से स्वयं भय भी भयभीत होता है। तो हम निर्भय हो जाएंगे, अभय हो जाएंगे, निर्भय, हमें कोई भय, हम गोरी बाबा जैसे हैं, हमें किसी चीज का डर नहीं। सबसे बड़ा डर है मृत्यु का, हमें कोई मृत्यु का डर नहीं, क्योंकि मेरा मृत्यु ही नहीं है तो फिर मुझे डर क्यों है ना। न जायते न म्रियते कदाचिन नायम भूत्वा भविता वान भूय अजो अजन्मा नित्यो शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने। शरीर मर जाने पर भी हम मरने वाले नहीं। ब्रेन वॉशिंग, हम ब्रेन वॉश करते हैं, हम अजर अमर हैं, हम नित्य हैं, ब्रेन वॉशिंग, बाद में डर किस चीज का। तो हम आत्मा है, हम मरने वाले कहाँ हैं? आत्मा का मृत्यु नहीं, जन्म नहीं। तो हमारी एक भूल है कि मैं ये शरीर हूँ, ये भूल कर बैठे इसलिए दुखी है। भगवान का भक्त जो नाम करता है वो अभय प्राप्त करता है, वो निर्भय हो जाता है। और यही तो एजुकेशन है और यही ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या या योग शास्त्र, यही सत्य विद्या है। और बाकी का यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हम गुजर के आए, ये सब असत्य, सारा असत ज्ञान है, असार से ज्ञान है। दो वायर इकट्ठा कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो गई, लेकिन सब कुछ भौतिक है। इलेक्ट्रिसिटी जितना हमें सुख देती है उतना दुख भी दे सकती है, दुख भी दे सकती है। तो ये सत्य ज्ञान नहीं है। फोन हमें जितना सुख दे सकता है इतना ही, आपने अनुभव किया ना मेरा फोन, जितना दुखी, ये भौतिक, भौतिक
जो भी चीज है वो सो कॉल सुख भी देगी और उतना दुख भी देगी, लेकिन ब्रह्म विद्या हमें सा विद्या या विमुक्त है, विद्या वो है जो हमें मुक्ति दे। तो ये ब्रह्म विद्या है, ये ब्रह्म विद्या हमें ये भौतिक संसार ये संस्कृति से हमें बचाएगी। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा हरज? हरे कृष्णा आपन संस्कृतिम गौरम यत नाम विवशो गृणात ततो सद्यो विमुच्येत यत विभेति स्वयं भयम्। नाम जप करने वाले कभी भी ये भय से भयभीत नहीं होंगे। अगर है भयभीत होते हैं तो वो भक्त नहीं है। इसलिए कुंती महारानी शुद्ध भक्त है तो वो कहती है भय आता रहे भय आता रहे भय आता रहे, ताकि हमें आपका स्मरण हो और आप भागे हुए दौड़े हुए चले आए। इसलिए हमें हमेशा हमें दुख आता रहे। विपद संतु तत्शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भविता दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे भगवान कृष्ण, भगवान जा रहे थे द्वारिका, कब जा रहे थे? जब युद्ध खत्म हुआ, पांडव युधिष्ठिर महाराज कोरोनेशन हुआ, राजगादी पर उनको मुकुट राज मुकुट मिला, सारी पृथ्वी के मालिक बन गए और भगवान अभी शांति से हास करके वापस हमारी उनकी नगरी द्वारिका जा रहे। तो जा रहे तो क्वीन कुंती उनको रोकती है कि आप जाओ मत, आप जाओ मत। प्रार्थना करती है कुंती, कहती है कि विपद संतु तत् शाश्वत, शाश्वत काल हमारे ऊपर विपदा आती रहे। विपद संतु ता शाश्वत, वो विपदाएं हमारे ऊपर शाश्वत काल तक आती रहे। ऐसा क्यों? कि तत्र तत्र जगत गुरु, इसीलिए कि जब हमें विपदा आती है तो आप भागे हुए चले आते हो, भागे हुए आप चले आते हो और हमें आपका सानिध्य मिलता है, जिससे हमारे भव दर्शन का पुनर्भव दर्शन नहीं होता। अर्थात ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में हमें नहीं आना पड़ता, इसलिए हमारे ऊपर विपदा ही आती रहे ताकि आपके दर्शन होते रहे, और दर्शन हो गए तो हमें अपुनर्भव दर्शनम बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। विपद संतु तत् शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भविता दर्शनम अस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। तो ये भक्त अघोरी बन जाता है, निर्भय बन जाता है, मृत्यु उनसे भागता है, दौड़ता है। और सबसे बड़ा भय हमें किसका है? लेकिन हमारी मृत्यु है ही नहीं, तो फिर हमें डर किस पर? साइंटिफिक है, हम आत्मा है या शरीर है? हम आत्मा है, आत्मा सनातन है। तो शुरुआत में ही ये सारा पहला स्कंद बहुत महत्वपूर्ण स्कंद है और पांडवों की इतिहास इसमें इसलिए आता है कि भगवान ने कैसे भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान, भगवान पांडवों के सेवक बने, सारथी बने, पांडवों के मैसेंजर बने, पांडवों को नमस्कार किया युधिष्ठिर महाराज भीम को, और पांडवों का क्या क्या नहीं किया। तो ये प्रेम लीला है भक्तों के साथ भगवान की। तो वहां से भागवत की शुरुआत होती है। पांडवगण उत्तरा के पुत्र को बचाते हैं भगवान, भीष्मदेव को बाय बाय करते हैं भगवान, पांडव भक्त हैं, उनसे भागवत की शुरुआत करते हैं व्यासदेव।